विपक्ष के भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश किया। भारी शोर शराबे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। कांग्रेस ने कहा चर्चा के लिए पूर्व नोटिस नहीं दिया गया। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी का विरोध कर कांग्रेस देश के विकास को बाधित कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को लताड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में बार बार बाधा पहुंचाने को लोकतंत्र की हत्या बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि महज 40 सांसद पूरे सदन को बाधित किए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह को संसद में जारी गतिरोध को तोड़ने और ललित मोदी मुद्दे पर चर्चा करने के प्रयासों को सराहा। सर्वदलीय बैठक में सपा प्रमुख ने कांग्रेस के रुख का विरोध किया, साथ ही कहा विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन का चलना जरूरी। आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि कल्याणकारी योजना वृहद संविधान पीठ ने लिया फैसला। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आधार अनिवार्य न होने की जानकारी फैलाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाएं। कोयला ब्लॉकों की तीसरे चरण की नीलामी जारी। इस चरण में 5 ब्लॉकों की नीलामी के लिए JSPL हिंडाल्को वेदांता कंपनियां दौड़ में। विपक्ष का राज्यव्यापी बंद। बंद के कारण जहां दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, वहीं इसके चलते लोगों को कई जगह करना पड़ा दिक्कतों का सामना। कांग्रेस और वाम दलों ने तेलुगु देशम पार्टी पर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में विफल होने का आरोप लगाया। जम्मू में NIA अदालत ने पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद नावेद याकूब को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। इससे पहले लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी से NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस ने की थी गहन पूछताछ। गौरतलब है कि उधमपुर में 5 अगस्त को हुए आतंकी हमले के बाद नावेद को जिंदा पकड़ा गया था। दयानिधि मारन ने कथित रूप से अवैध टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने संबंधी मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका रद्द किए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्चतम न्यायालय ने मारन की याचिका पर कल सुनवाई करने पर जताई सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के सुंदर पिचाई को गूगल के नए CEO बनने पर बधाई दी। चेन्नई में जन्मे पिचाई के नेतृत्व में गूगल एक नई कंपनी अल्फाबेट के तहत काम करेगी। इसकी घोषणा कंपनी के सह संस्थापक लैरी पेग ने की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान पर सोमवार को पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष यान पर ही उगाई गई फसल का स्वाद चखा। ये पहली बार है कि इस तरह की फसल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान पर उगाई, काटी और खाई गई। अब अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन का उत्पादन करके उसे खा भी सकते हैं। पहली बार अंतरिक्ष में इस प्रकार उत्पादन हुआ है और अंतरिक्ष यात्रियों को खाने का अवसर मिला है। नेपाल में आज फिर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.6 के आसपास थी। भूकंप का केंद्र काठमांडू में बताया जा रहा है। जानमाल के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है। जकार्ता में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय शटलरों का सुनहरा सफर जारी। आज खेले गए पहले दौर के मुकाबले में श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलिया के माइकल फरीमन को 21-10, 21-13 से शिकस्त देकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वहीं 3 सेटों तक चले रोमांचक मैच में PV सिंधु ने डेनमार्क की लाइन यासफेल्ट को 11-21, 21-17 और 21-16 से हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई। गबाला वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाने के साथ ही इंडियन शूटर प्रकाश नंजप्पा ने भारत के लिए एक और ओलंपिक कोटा जीता। अभिनव और गगन पहले ही रियो ओलंपिक में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। स्टार निशानेबाज गगन नारंग सोमवार को निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 5वें स्थान पर रहे थे और रियो का कोटा हासिल किया था। भारत और श्रीलंका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए कल से गाल में शुरू हो रहे पहले टेस्ट को लेकर दोनों टीमों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। मौजूदा श्रीलंका टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी और अपनी अंतिम टेस्ट सीरीज खेल रहे कुमार संगकारा ने उम्मीद जताई है कि टीम का प्रदर्शन इस टेस्ट सीरीज में शानदार रहेगा। भारतीय हॉकी टीम को यूरोप दौरे पर स्पेन के साथ खेले गए मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।
तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में स्पेन ने भारत को 4-1 से मात देने में सफलता पाई। दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा।